हे गाइस वेलकम बैक। तो आज जो है इस वाले वीडियो में बताऊंगा यहाँ पर बेस्ट फाइल मैनेजर ऐप के बारे में। यहाँ पर जो है इस वाले डिवाइस में जैसे कि यहाँ पर जो है गूगल फाइल्स का जो है फाइल मैनेजर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना ये वाला मेरे को कुछ खास नहीं लगता, इसमें कुछ जो है ज़्यादा फंक्शन वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है ये मतलब उतना भी खास नहीं लगता। जो मेरे को बेस्ट लगता है वो यहाँ पर जो है ये मी का फाइल मैनेजर है। अब यहाँ पर जो है इसमें बहुत सारा जो है एडिशनल फीचर मिलता है जिसके कारण जो है ये बेस्ट बन जाता है। अब यहाँ पर जो है ऐसा क्या क्या फंक्शन मिलता है, तो यहाँ पर जो है एक मतलब क्लीनर टाइप का जो है यहाँ पर ये सेटअप मिलता है। तो यहाँ पर जो है आप क्लीनर टाइप का जो है एक तो स्टोरेज क्लियर के लिए मिलेगा, उसके बाद जो यहाँ पर जो भी आपका बिग फाइल है ठीक है, यहाँ पर जैसे देखेंगे बिग फाइल 1.8.8 GB, तो जो भी आपके डिवाइस में बड़ा बड़ा फाइल है ठीक है उसका जो है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन सा आपका बिग फाइल है, कौन कौन सा जो है आपका स्टोरेज ले रहा है ठीक है। तो यहाँ पर वो जो है जितना है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है उसको डिलीट भी कर सकते हो, तो ये सारा जो है फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पर और भी जो है कुछ फीचर है जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिल जाता है, जैसे यहाँ पर कोई भी आप ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर वो सारा का सारा जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है और भी सारा जो है जैसे इमेज का, वीडियोस का, डॉक्यूमेंट का, म्यूजिक वगैरह, ये सारा कैटेगरी मिलता है। जैसे मोर का ऑप्शन पाएंगे तो यहाँ पर व्हाट्सअप का भी जो है यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह, स्क्रीनशॉट वगैरह, स्पेशल स्पेशल जो है यहाँ पर कैटेगरी वगैरह जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर और भी कुछ फीचर मिलता है जैसे फेवरेट का। अब ये जो फेवरेट का फीचर है ना मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आता है, जैसे कि यहाँ पर जो है ना मैं कोई फोल्डर वगैरह निकाल लेता हूँ ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर जो है एजेंडर फोल्डर है ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर जो है जैसे मेरे को ये ऐप है ठीक है, एजेंडर में इतना सारा ऐप है हमारा, तो यहाँ पर जो है हमको डायरेक्ट इस वाले फोल्डर का एक्सेस लेना, ये भी इतना अंदर में है ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इस वाले फोल्डर का एक्सेस यहाँ पर जैसे इसमें टैप करेंगे, इसमें यहाँ पर जो है मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है ऐड फेवरेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें अगर टैप कर देंगे तो यहाँ पर जो है देखेंगे फेवरेट में ऐड हो गया। अब ये वाला जो फोल्डर है ना मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, इसमें यहाँ पर टैप करके रखूँगा तो यहाँ पर देखिए फेवरेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर फेवरेट वाले पर क्लिक करूँगा तो सीधा उस वाले फोल्डर तक पहुँच जाऊँगा। इस तरह करके यहाँ पर जो है ना इस फाइल मैनेजर के थ्रू यहाँ पर जितना भी फोल्डर वगैरह जो भी बहुत अंदर में है उसको यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो, तो ये मेरे को एक बेटर लगता है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिलता है जैसे कि यहाँ पर जैसे डाउनलोड में क्लिक कर दिया ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे कोई ऐप में यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह का ऐप जो है निकल जाता है। और यहाँ पर जो है ना आपको कुछ और फंक्शन मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर इसमें टैप करेंगे ठीक है, तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन आ जाएगा और इसके थ्रू जो है यहाँ पर आपको जो है ऐड फेवरेट का तो ऑप्शन मिलता ही है, और बाकी जो है यहाँ पर आपको ऐप ओपन इन अनदर ऐप का भी ऑप्शन मिलता है। तो इसमें जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर जो है ये फोटो जो है यहाँ पर आप कोई और भी ऐप से जो है यहाँ पर क्लिक वगैरह कर सकते हो, तो इस तरह का भी जो है ऑप्शन वगैरह यहाँ पर मिल जाता है, ओपन वगैरह कर सकते हो, तो ये भी जो है यहाँ पर इस वाले ऐप में जो है ये फीचर मिल जाता है देखने को। और जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर जो है फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट वगैरह नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जो है मी फाइल में जो है यहाँ पर आपको शॉर्टकट मिलता है। तो यहाँ से आप जो है सर्च बार को भी डायरेक्ट जो है सर्च कर सकते हो, क्लीनअप के लिए डायरेक्ट जा सकते हो, फेवरेट फोल्डर में डायरेक्ट जा सकते हो, और यहाँ पर जो है इसको अगर टच करके रखेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर भी बन जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर ये फेवरेट फोल्डर बन जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो सीधा फेवरेट फोल्डर तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें जो है ना और एक खास है जो मतलब बेसिकली किसी भी जो है फाइल मैनेजर वगैरह में देखने को नहीं मिलता है, वो क्या है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ये जो है ना एक फोटो है ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आप कहीं पर भी जो है कॉपी पेस्ट का जो है ऑप्शन वगैरह नहीं मिलता है। ऐसे फोन में आप जो है ना कहीं पर भी व्हाट्सअप वगैरह में बहुत पुराना कहीं फोटो आपने देख लिया तो वहाँ से जो है ना अभी उसको निकालना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है, अभी उतना अंदर जाके खोजेंगे तब तो वो मिलेगा है ना, बहुत टाइम लग जाता है। या कहीं जो है ब्राउजर वगैरह कर रहे हैं, कोई जो है ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर से जो है कोई फोटो वगैरह जो है कॉपी करना है तो वो सारा ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर जो है एक ऑप्शन रहता है शेयर का ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पर शेयर वाले में क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल मैनेजर का आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखेगा ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर फाइल मैनेजर का जो है कॉपी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमेशा से दिखेगा है ना, ये हमेशा से ऑप्शन दिखेगा। कहीं से भी आप जो है शेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको हमेशा से दिखेगा। तो यहाँ पर जो है ना आप जैसे यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल में पहुंच जाओगे, उसके बाद यहाँ पर कोई भी जो है फोटो जो है फोल्डर वगैरह चूज करके वहाँ पर जो है उसको पेस्ट कर सकते हो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ पर जो है सीधा पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह का फीचर जो है इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जो मेरे को बहुत ही खास लगता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको एक जो है डार्क मोड का जो है फीचर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो है डार्क मोड का फीचर भी जो है यहाँ पर इसके थ्रू आप एनेबल कर सकते हो। सो हिडन फाइल का जो है फंक्शन तो इसमें मिलेगा ही, और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है ये इंटरफेस है इसका देखने को, और जो जब आप जो है पेन ड्राइव वगैरह यूज करोगे तो यहाँ पर उसका एक्सेसिबल जो है ना ये इसके थ्रू जो है आप बेटर कर पाओगे। अभी वहाँ पर जो है मैं इसको दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर अगर अगर दिखाता तो यहाँ पर आपको जो है एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है इसके थ्रू। तो यहाँ पर जो है कार्ड ड्राइव वगैरह, फाइल मैनेजर वगैरह, कोई भी जो है यहाँ पर पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पर जो है उसके थ्रू यहाँ पर एक बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये कुल मिला के जो है ओवरऑल मतलब बेस्ट पैकेज है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो। तो बाकी आप बताओ यहाँ पर ये वाला फाइल मैनेजर आपको कैसा लगा, आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कमेंट में बताना। और बाकी जो है इतना ही इस वाले वीडियो के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।